महासमुंद पुलिस ने लकड़ी तस्कर के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 6 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ये 2 कंटेनरों से लाखों की लकड़ियां बरामद हुई है। पुलिस ने तस्करों के पास से लकड़ी और नकदी समेत कुछ 1,55,81,000 रुपए का सामान जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चावल परिवहन की आड़ में लकड़ियों की तस्करी हो रही है। सूचना प्राप्त हुई कि उड़ीसा की ओर से एक राज्य पार्सिंग कंटेनर आ रही है जो कि रायपुर की ओर जा रही है, उसमें अवैध इमारती लकड़ी 6 लोड है। मुखबिर की सूचना पर हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम को जब भेजा गया तो उड़ीसा की ओर से आते हुए हमें एक कंटेनर दिखाई दी आरजे पासिंग, जिसे रोककर पूछताछ किया गया, परंतु जब कंटेनर को खुलवा के देखा गया तो उसके अवैध ये लकड़ी हमें प्राप्त हुई और अब इस पर टोटल 6 आरोपी हैं। सभी आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। जब्त लकड़ी की टोटल 421 क्विंटल लकड़ी जब्त की गई है जिसकी अनुमानित कीमत 1,52,500 रुपये है। झांसी के मऊरानीपुर में सालों से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और गैस कारों में रिफिलिंग हो रही है, इसकी शिकायत भी लंबे समय से सामने आ रही थी, जिसे लेकर गुरुवार को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नायब तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की। संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में भरे और खाली सिलेंडर सहित रिफिलिंग की मशीन भी बरामद की है। टीम ने एक नई बस्ती में बने एसके गुप्ता शामियाना और लाइट डेकोरेशन की दुकान और गोदाम में कार्रवाई को अंजाम दिया।